गुलाबी ठंड, ठंडी ठंडी हवा, मूंगफली की सौंधी सौंधी खुशबू के साथ फूलों की मीठी मुस्कान लिए नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका लाइव फोन इन कार्यक्रम नमस्कार एमपी के आज के अंक में। और आज का ये अंक आपके लिए सजा कर लेकर आई हूँ मैं पूर्वा राय। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही खास कार्यक्रम है क्योंकि अगले एक घंटे तक आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। वो कैसे? जी हाँ, हमारे कार्यक्रम में आप कॉल कर सकते हैं और हमारे जो विषय विशेषज्ञ हैं उनके विषय को लेकर अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है उन्हें आप हमारे जो एक्सपर्ट से उन्हें पूछ सकते हैं, अपने सवाल के जवाब ले सकते हैं। तो भाई, सवाल पूछने के लिए फ़ोन नंबर भी तो होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले क्यों ना आज के हम आपको विषय बता दें। जी हाँ, आज का हमारा जो सबसे पहले विषय है वो है कि आप किस प्रकार से जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षण में नवाचार ला सकते हैं, साथ ही साथ वैदिक गणित पर भी चर्चा करेंगे। इसके बाद में छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श भी आपको दी जाएगी। तो ये हुए विषय। तो चलिए इसके बाद आपको नोट करवा दें हमारे फोन नंबर जो कि हैं दूरदर्शन के फोन नंबर सबसे पहले भोपाल के एसटीडी कोड के साथ में 07552660049, साथ ही साथ हमारे टोल फ्री नंबर, जी हाँ ये बिल्कुल निशुल्क नंबर है, जो कि है 1800233040। आपके प्रश्नों का हमें इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले आपको बता दी जाए कि आज की तिथि क्या है। विक्रम संवत 2080 कार्तिक अश्विन कार्तिक मास है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, द्वितीया है तिथि 30 अक्टूबर 2023 और दिन है सोमवार। आज के दिन जिन भी हमारे दर्शकों का जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह है उन्हें बहुत सारी बधाइयां हम प्रेषित करते हैं और साथ ही साथ मंगल कामनाएं भी भेजते हैं कि आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इतिहास में आज की तारीख किन विशेष बातों से दर्ज की गई। देखते हैं आज की तारीख की विशेषताएं, इतिहास क्या कहता है। 1883 स्वामी दयानंद सरस्वती का आज निधन हुआ था। 1909 की अगर बात की जाए, भारत के भौतिक शास्त्री और परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जनक होमी जहांगीर भाभा का जन्म दिवस है आज। 1945 भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना, भारत ने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत वास्तविक राष्ट्र के रूप में इस संगठन की सदस्यता ली। 1956 दिल्ली में अशोका होटल खुला, जी हाँ ये देश का पहला 5 सितारा आलीशान होटल था। अगर हम बात करें 1961 की, रूस ने हाइड्रोजन बम में विस्फोट किया जिस पर दुनिया भर ने रोषपूर्ण प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। 1974 मोहम्मद अली ने जॉर्ज फोरमैन को हराकर विश्व के हेवीवेट बॉक्सिंग के खिताब जीता था। आज बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य का जन्मदिन भी है, उन्हें हम बधाइयां देते हैं। और साथ ही साथ दर्शकों, आज विश्व मितव्ययिता दिवस भी है। जी हाँ, ये तो था इतिहास। कहा जाता है कि इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का विचार क्या है। जी हाँ, एक विचार मनुष्य का जीवन परिवर्तित कर देता है। ये विचार हमारे आज का जो टॉपिक है उससे भी जुड़ा हुआ है। तो चलिए देखते हैं आज का विचार क्या है। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलो। जी हाँ, ये कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। ये जो वाक्य कहा था हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति जी ने, उनका कहना था हमारे अगली पीढ़ी के लिए, हमारे जो देश के निर्माता हैं, हमारे छात्र हैं, उन्हें अगर चमकना है, आगे बढ़ना है, कुछ अपने जीवन में करके दिखाना है तो उन्हें जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, अपने आप को निखारना पड़ेगा, चमक लाने के लिए खुद पहले जलना पड़ता है, ये उन्हें सिखाया था। तो चलिए आ जाते हैं आज के हमारे एक्सपर्ट से मिलवा दिया जाए, जो कि हम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। चलिए विषय एक बार फिर से बता देती हूँ। तो जो हमारा विषय है आज का वो है कि जनजातीय छात्रों के लिए शिक्षण में नवाचार, साथ ही साथ वैदिक गणित पर भी चर्चा करेंगे। ये हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इन्हें वैसे भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। ये डॉक्टर यशपाल सिंह जी, प्राचार्य हैं एकलव्य मॉडल शासकीय आवासीय विद्यालय गुरुकुलम के। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। इसके बाद दर्शकों, आपसे मिलवाना चाहती हूँ हमारी जो दूसरी एक्सपर्ट है उनसे।
उनके लिए छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक परामर्श देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ये है प्रिया सोनपार, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट है। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर साहब से ही जान लिया जाए। डॉक्टर साहब, आप अपनी यात्रा के विषय में बताइए, आप कहाँ से शुरू हुए, आज आप कहाँ तक आ चुके हैं, वो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। थैंक यू मैडम। मैडम, मैं 88 से मैंने अपना जो शासकीय सेवा का कार्यकाल है प्रारंभ किया, और वो आज छत्तीसगढ़ में नारायणपुर, जसपुर नगर, कुनकुरी, ऐसे क्षेत्र जो बहुत ही दूरस्थ क्षेत्र थे, और वहाँ पर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट में जब मैं गया तो मैंने देखा कि बच्चों में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती थी मैथमेटिक्स और इंग्लिश को लेकर के होती थी जी। तो उस डर को कैसे दूर किया जाए, मैं भोपाल से गया था, बच्चे वहाँ सादरी बोलते थे, छत्तीसगढ़ी बोलते थे, बच्चों को हिंदी बोलने में भी प्रॉब्लम होती थी। मैंने जब ये देखा कि इस समस्या का समाधान क्या किया जाए, तो मैं ये सोचने लगा कि मैथमेटिक्स को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए कि बच्चों की समझ में अच्छी तरह से आए। उसके लिए मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स अपनाना शुरू किया, और आज वह स्थिति में आ गया हूँ कि आज मेरी शॉर्टकट ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाते पढ़ाते ट्रिकी मैथमेटिक्स की मेरी 3 किताबें पब्लिश हो चुकी हैं। वर्तमान में 2023 में मुझे भारत सरकार की ओर से राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है जी। और मैं ट्राइबल बच्चों के लिए, चाहे इंजीनियरिंग की बात हो, चाहे मेडिकल की बात हो, चाहे क्लैट की बात हो, ये सब कक्षाएं हम लोग अपने संस्थान में संचालित कर रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब। अगर हमारे कोई दर्शक ऐसे हो जो जानना चाहें कि आपके स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया क्या है। जी मैडम, बहुत अच्छा प्रश्न है मैडम। ये भारत सरकार द्वारा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित है। पूरे देश में 650 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित हैं। मध्य प्रदेश में 63 आवासीय विद्यालय हैं, जिनका हम लोग अभी दिसंबर जनवरी में प्रक्रिया हमारी शुरू हो जाती है जी। हम लोग एंट्रेंस एग्जामिनेशन से टेस्ट लेते हैं। जो बच्चे कक्षा 5वीं पास कर लेते हैं उनका हम 6वीं में एडमिशन देते हैं। हर एक स्कूल में हमारे यहाँ 30 स्टूडेंट का एक सेक्शन होता है। हाँ, हर एक स्कूल में 60 बच्चों को प्रवेश दिया जाता है। सर बिल्कुल बिल्कुल ठीक है सर। चलिए हम प्रिया सोनपार मैम के पास में चलते हैं और ये जानते हैं कि मैम ये बताइए कि मेंटल हेल्थ क्या होती है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं फिजिकल हेल्थ के बारे में सभी को पता है कि हमें कैसे फिट रहना है, हमें कैसे जिम ज्वाइन करना है, वर्कआउट करना है, कैसे वॉक करनी है, लेकिन मेंटल हेल्थ के विषय में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ पता होगा, और अगर है तो उसकी प्रॉपर परिभाषा क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पिक करा है। मेंटल हेल्थ ज़्यादातर कन्फ्यूज कर दिया जाता है मेंटल इलनेस से जी। तो मेंटल हेल्थ की एक सिंपल सी परिभाषा है कि एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की जी। हमारी इमोशंस के बारे में समझना, हमारी फीलिंग्स को समझना, कभी अच्छा लग रहा है, कभी बुरा लग रहा है, कभी खुशी हो रही है, कभी एंजाइटी हो रही है, इन फीलिंग्स को समझना, ये क्यों हो रही हैं, ये फीलिंग्स हम क्यों महसूस कर रहे हैं। सो मेंटल हेल्थ इज़ अबाउट अपने इमोशंस का ध्यान रखना, अपने फीलिंग्स का ध्यान रखना, ठीक नहीं लग रहा है तो उस बारे में एड्रेस करना, नंबर 1 अक्नॉलेज करना, नंबर 2 एड्रेस करके हेल्प ढूंढने की कोशिश करना। सो मेंटल इलनेस मेंटल हेल्थ से फ़र्क है। जैसे आपने कहा कि हम अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत ध्यान रखते हैं, जिम जाते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, प्रेस करते हैं, लाइकवाइज अपने दिमाग में यहाँ टॉप फ्लोर में क्या चल रहा है उसके बारे में सोचना भी बहुत इम्पोर्टेंट है जी। मेंटल हेल्थ को अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल मेंटेनेंस करके चलना चाहे, एक फ्लो में चलूँ मैं, बिल्कुल जब मैं ऊपर से अच्छा दिख रहा हूँ, मेरा यहाँ का जो है वो बिल्कुल स्थिर रहे, तो कैसे मेंटल हेल्थ को स्थिर बनाए रखा जा सकता है। देखिए, छोटे बड़े प्रॉब्लम्स, स्ट्रेस, एंजाइटी हम सभी की लाइफ में लगा ही रहता है कभी ना कभी। जैसे बच्चे हैं छोटे, तो कभी एग्ज़ाम्स में नंबर कम आ गए, एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाए, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी वो बहुत तैयारी कर रहे हैं, किसी भी छोटे बड़ी प्रॉब्लम से निराश नहीं होना। अगर लग रहा है कि हाँ कोई चीज़ मुझे परेशान कर रही है, मेरे दिमाग में कुछ खटक रहा है, कभी कभार होता है कि मान लीजिए आज कोई असाइनमेंट दे दिया गया कल के लिए, तो आज नींद नहीं आएगी। हाँ बिल्कुल। पर अगर रोज़ ही नींद नहीं आ रही है जी, रोज़ ही लग रहा है कि आप 11 बजे सोने लेट जाते हैं लेकिन रोज़ 1 बज जाता है, खाना सामने रखा है और हम ये कहते थे नहीं मेरी इच्छा नहीं हो रही खाने की, वो ट्रिगर्स हैं, वो एक अलार्मिंग पॉइंट्स हैं जहाँ हमें समझना चाहिए कि नहीं यार कुछ तो दिमाग में चल रहा है मेरे। किसी ना किसी से उसको एड्रेस करना इम्पॉर्टेंट है जी। अपने किसी भी कॉन्फिडेंट पर्सन से बात कर लें जी। किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले लें जी।
बर्थडे अपनी बातों को व्यक्त करना बहुत ज्यादा जरूरी है, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, वेंटिंग आउट इज वेरी इम्पोर्टेंट। जी जी जी, चलिए आइए हम डॉक्टर साहब के पास में चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आपने जनजातीय छात्रों के लिए बहुत काम किया, आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, आपको कैसा लगा कि इनके लिए काम करके इन्हें आगे मैं कैसे बढ़ा सकता हूँ? मैडम, मेरे को प्रारंभ में जब मैं लेक्चरर बना तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में या दूसरे डिपार्टमेंट में साइंटिस्ट भी बना, लेकिन मैंने ये सोचा कि एक ऐसा वर्ग जो जिसके लिए बहुत काम की ज़रूरत है और उनके लिए शायद उतना काम नहीं हो पा रहा है कि शायद मतलब उस फील्ड में सोचा जाए हमें, तो मैंने ट्रैवल डिपार्टमेंट का चयन किया। और उस डिपार्टमेंट में जाने के बाद में मैंने देखा कि उन बच्चों के लिए काम किया जाए। जी जी जी, अच्छा ये बताइए आपके अगर आपके स्कूल में जब बच्चे आते हैं, हम बच्चों की ज़्यादातर ये बात की जाती है कि बच्चे सिर्फ पढ़ें, अपने जो टॉपिक है उनके ऊपर ध्यान दिया, लेकिन जो अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर आप कैसे ध्यान देते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाते हैं? मैडम, मैं और मेरा स्टाफ चाहे स्पोर्ट्स की गतिविधियाँ हों, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की गतिविधियाँ हों, हमारे जो बच्चे हैं उनकी संस्कृति से भी हम उनको जोड़ के रखते हैं। जी। स्कूल में बच्चों का ड्रॉप आउट ना होना सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि हम उनको संस्कृति से दूर ले जाते हैं। जब हम उनकी संस्कृति से उन्हें जोड़े रखते हैं तो उनको स्कूल में आनंद आने लगता है। हाँ जी। उनकी जितनी एक्टिविटीज़ हैं, उनके फेस्टिवल्स हैं, उनकी अदर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे स्पोर्ट्स की बात करूँगा मैं, मेरे संस्थान में आज बॉक्सिंग की बात करूँगा मैं, आज शूटिंग की बात करूँगा, तो हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कम से कम 50% मेडल्स अकेला स्कूल लेता है। तो आपको खुशी होगी कि जब बच्चों को हम इन सब गतिविधियों में जोड़ते हैं तो स्कूल उनको अच्छा लगने लगता है और स्कूल से वो बाहर जाने के बारे में नहीं सोचते हैं। जी, जी, जी। तो हमारा ये प्रयास है कि चाहे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हों, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ हों, एक एक का संचालन स्कूल में किया जाए और इसमें मेरा स्टाफ जो होता है पूरी तरह ईमानदारी से अपना काम करता है, जिसके परिणाम ये मिले हैं कि मेरे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। स्टेट में ही नहीं, नेशनल लेवल पर भी हम लोग सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी, ये तो जैसे कि प्रिया मैम ये बात हुई कि इन्होंने, सर ने इतने ज़्यादा वहाँ पर नवाचार किए हैं कि बच्चे रुके, लेकिन अमूमन देखने को मिलता है कि बच्चे, मम्मी ने उठाया सुबह, मम्मा आज तो संडे हमें नहीं जाना है, आज मुझे स्कूल जाने की इच्छा ही नहीं है, या फिर अगर जो थोड़े बड़े हो जाते हैं बंक करना शुरू कर देते हैं, तो इसको कैसे, मतलब आप कैसे समझाएंगे बच्चों को या जो पेरेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए कि बच्चों का मन लगे स्कूल में? राइट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नंबर वन, बच्चा अगर खुशी से स्कूल नहीं जा रहा है, कभी एक आध दो बार की बात अलग है कि मान लीजिए उसके दोस्त स्कूल में नहीं आ रहे हैं, मैंने भी स्कूल टाइम में देखा है कभी अपना बेस्ट फ्रेंड स्कूल नहीं आते थे तो लगा था चलो एक दिन छुट्टी मार लें, वो भी तो नहीं आ रही जी। पर कभी अगर बच्चे का रेगुलरली मन नहीं हो रहा है स्कूल जाने का, सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि पेरेंट्स चेक करें कि ऐसी क्या बात हो गई है, कहीं बच्चा स्कूल में किसी चीज़ से डरा हुआ तो नहीं है जी, कहीं किसी टीचर ने कुछ ज़्यादा डांट दिया किसी दिन, कुछ बच्चे उसकी टांग तो नहीं खींच रहे हैं, बच्चा परेशान तो नहीं है। एक बार इस चीज़ के बारे में बच्चे का हाथ पकड़ के पूछ लें कि बच्चे कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डर तो नहीं लग रहा स्कूल जाने में, टीचर से जाके बात करें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई क्लास में, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं हुआ। ये भी एक रीज़न है जिससे बच्चे घबराते हैं स्कूल जाने में। दूसरा रीज़न, जो हाई स्कूल के बच्चे मस्ती में नहीं जाते हैं स्कूल की, चलो कोई बात नहीं, ये तो हमारा टाइम है मस्ती मजाक करने का, घूमने फिरने के दिन है हमारे, वहाँ पर समझाइश के साथ साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली आई रिमेम्बर मेरे फादर हमेशा कहते थे जब मैं 9th, 10th, 11th, 12th में थी कि ये 5 साल या अगले 50 साल की थ्योरी है। बिल्कुल, ये 5 साल, यही बात मैं कहूंगी, मैं भी मेरे बच्चों को हमेशा यही समझाती हूँ कि देखिए अगर मेहनत करना है तो आपने अगर जिंदगी के पहले 20 साल कर लिए तो अगले 50 साल आपके लिए सुविधाजनक रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। स्पेशली हाई स्कूल के बच्चे, 11th से लेके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड तक के बच्चे की ये 5 साल अगर मस्ती कर ली, टाइम वेस्ट हो गया, तो अगले 50 साल कॉम्प्रोमाइज में जाएंगे। बिल्कुल ठीक। सो ये 5 साल अगर थोड़ा रगड़ के लग के मेहनत कर लें, मन से बेमन से भी कर लें, तो ये समझाना ज़रूरी है कि खेलो कूदो भी, डांस ड्रामा एनसीसी स्पोर्ट्स सब में पार्टिसिपेट करें, क्योंकि वो भी इम्पॉर्टेंट है ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। बट साथ ही साथ एक अच्छी दिखने वाली डिग्री, सुंदर मार्कशीट लेके जाएं, और सुंदर मार्कशीट को हम थोड़ा सा
कैटेगराइज करने के लिए, तो पास तो 40% पे भी होते हैं, पर 85% वाली डिग्री जरा अच्छी दिखती है। डॉक्टर साहब के पास में आती हूँ। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो गणित एक ऐसा विषय है जो मुझे लगता है कि अमूमन ज्यादातर सभी लोगों के मन में आता है कि नहीं मुझे गणित नहीं पढ़ना है, और आपने जनजातीय छात्रों के लिए इतने ट्रिकी जो मेथड्स बनाए कि उनको बहुत आसानी से समझ में आ जाए, बहुत छोटे छोटे से जो एक नियम थे वो बना के उन्हें समझाया, तो ये आपने कैसे किया? मैडम जब मैंने देखा कि वो बच्चे मेरे फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट हैं, जब वो गांव से आते हैं तो इंग्लिश और मैथमेटिक्स से जब उनको डर लगता था तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैंने ट्रिक्स का उपयोग किया, और जब मैंने देखा कि मैथमेटिक्स को सरलता से प्रस्तुत किया जाए तो एक समय ऐसा आता है कि उनको मैथमेटिक्स में बहुत आनंद आने लगता है। जिस तरह से हिंदी में आनंद आता है उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी उनको आनंद आने लगता है, और वो स्कूल से भागने के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव यदि है तो मैंने ये महसूस किया है कि बच्चों को मैथमेटिक्स और इंग्लिश से, हमारे जो ट्रैवल बच्चे हैं उनको मैथमेटिक्स और इंग्लिश से बहुत डर लगता है, तो उस समस्या के समाधान के लिए मैंने ट्रिक्स को अपनाया, और वो ट्रिक्स के परिणाम ये हुए कि आज मैं समझ रहा हूँ कि उसका बच्चे मेरे लाभान्वित हो रहे हैं। मध्य प्रदेश नहीं ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ मेरी बुक्स जाती हैं बच्चे उसका फायदा उठा रहे हैं। जी, भोपाल दूरदर्शन में भी आपके ट्रिकी मैथमेटिक्स के बहुत से प्रोग्राम्स हुए, और मुझे लगता है कि अगर हमारे दर्शक देखना चाहें तो शनिवार सुबह 10 बजे आपके प्रोग्राम्स आते भी हैं, बच्चे हमारे देख सकते हैं, आपसे सीख सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप गणित पढ़ाते हैं, अदर करिकुलर कौन कौन सी और एक्टिविटीज आपके स्कूल में होती हैं जिनसे कि बच्चों को और अट्रैक्शन हो, स्कूल आने का मन हो? मैडम मेरा जहाँ तक सोचना है कि सबसे पहले तो स्कूल में एक अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन मेरे स्कूल में, मेरे स्टाफ, मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर्स सब पूरे ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अनुशासन रहता है। इसके साथ साथ क्या है, बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम जो उनकी संस्कृति से जुड़े हुए हैं ये कार्यक्रम भी होने चाहिए। स्पोर्ट्स, कुछ बच्चों का इंटरेस्ट रहता है, जैसे मैं बॉक्सिंग की आपसे अभी चर्चा कर रहा था कि बॉक्सिंग में मेरे यहाँ जो परिणाम है बहुत अच्छे हैं, नेशनल लेवल पर हम सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर। शूटिंग में मेरा स्कूल जो है राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। तो हम बच्चों को जोड़ने के लिए वो सब काम करते हैं जिसमें उनको आनंद आता है। ये सब जब आनंद आने लगता है तो बच्चे पढ़ाई में भी इंटरेस्ट लेकर के काम करने लगते हैं, और उसके परिणाम हम लोगों को मिल रहे हैं। जी जी जी। प्रिया मैम ये बताइए कि अगर आप समझाना चाहें किसी पेरेंट को, उनके बच्चों को मेंटल इश्यूज हैं, ये पता ही कैसे चलेगा? हमें पता ही नहीं चलता, कभी कभी किसी को ऐसा होता है कि कब जब दुर्घटना हो जाती है उसके बाद भी उन पेरेंट्स को पता नहीं चलता, मुझे तो पता ही नहीं था कि बच्चे के साथ कुछ प्रॉब्लम है, वो तो मुझे मेरे हिसाब से नॉर्मल लग रहा था। तो ये शुरुआत कब से होती है, पता कैसे करना चाहिए, और फिर उसके बाद उपचार क्या करें? बहुत बार लोग एड्रेस नहीं कर पाते, लोग एक्नॉलेज नहीं करते, स्पेशली पेरेंटिंग की जब बात होती है तो पेरेंट्स बहुत बार एक्नॉलेज नहीं करना चाहते कि अच्छा हमारा बच्चा है और कोई दूसरा हमें एडवाइस करेगा कि हमारे बच्चे के साथ क्या चल रहा है। सो टू ऑल द पेरेंट्स, मेंटल हेल्थ कभी कभार जब थोड़ी सी बिगड़ती है, बिगड़ती का मतलब जैसे हम स्ट्रेस या एंजाइटी की बात करें, कॉम्पिटिशन की बात करें, आपने बच्चों के बारे में पूछा है, क्लास में 60 में से हर तरह का बच्चा होता है, मान लीजिए कोई बच्चा है जो पढ़ाई में थोड़ा सा कमज़ोर है, उसको कभी गलती से जैसे टीचर्स या कोई दूसरे बच्चे ऐसा टर्म कर देते हैं कि ये तो वीक स्टूडेंट है, ये तो कुछ किसी लायक नहीं है, बच्चा कॉम्प्लेक्स डेवलप कर लेता है कि अरे मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मैं कुछ कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं, मैं किस काबिल हूँ या नहीं। तो बच्चा अगर नॉर्मल से हटके थोड़ा सा चुपचाप है, थोड़ा सा क्वाइट है, बातचीत कम कर रहा है, या खाने पीने में उसकी डाइट पर फ़र्क पड़ा है, उसकी स्लीप साइकिल पर फ़र्क पड़ा है, तो पेरेंट्स प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि चलो कोई बात नहीं, होता रहता है। स्पेशली टीनेज में बच्चों पे थोड़ा सा ज़्यादा इम्फोसिस की क्या चल रहा है, बातचीत करते चलें कि आज स्कूल में क्या हुआ, कोचिंग में क्या हुआ, पढ़ाई तो ठीक चल रही है, कहीं बच्चा थोड़ा सा भी इस बात को एड्रेस करे कि नहीं आज अच्छा नहीं लग रहा है, या वो कभी कहे कि मेरा आज स्कूल जाने का मन नहीं है, मुझे कोचिंग नहीं जाना, मुझे कॉलेज नहीं जाना, तो बिठा के 10 मिनट बात करें कि बताओ क्या हो गया, रादर देन डांट के बोलें कि जाना ही पड़ेगा, स्कूल मिस करना ठीक नहीं है। ये छोटी समझना पड़ेगा, थोड़ा सा उनके साथ में समय बिताने के साथ साथ में उनकी भावनाएं जो हैं वो समझनी पड़ेगी, बॉडी लैंग्वेज समझें बच्चे की, अगर डाइट बिगड़ गई है समझें, बातचीत कम कर रहा है, उसकी कुछ हाव भाव में बदलाव लग रहा है, प्लीज़ बिठा के पूछिए। सिर्फ डांट देना कि नहीं ये तो टीनेज वाले बच्चे तो डांट से ही समझते हैं, इनको कोई और भाषा समझ नहीं आती, डांटना मारना वो भी एक तरीका है समझाने का, बट
सिर्फ मारपिटाई से या डांटने से ऊंची आवाज़ से काम नहीं बनते, समझाइश का तरीका होता है। कई बार पेरेंट्स कहते हैं हमारा बच्चा तो बिल्कुल नहीं समझता, वो बहुत ज़िद्दी है, वो बहुत एडमिंट है। ऑन द कॉन्ट्ररी मुझे ऐसा लगता है कि समझाइश का तरीका होना चाहिए। हम एक ही चाबी से सारे ताले नहीं खोल सकते। बिल्कुल ठीक। तो पेरेंट्स एंड टीचर्स अगर थोड़ा सा अपना समझाइश का तरीका बदलें और बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, उसकी बातचीत के तरीके से छोटे छोटे हिंट्स पकड़ना शुरू करें, बैठ के पूछ लें कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, घर में कोई इशू तो नहीं चल रहा है। कई बार घर ही घर में, मान लीजिए जॉइंट फैमिली है, किसी एक दूसरे रिलेटिव की बातचीत कभी बुरी लग गई, कभी दूसरे बड़े भाई ने छोटे भाई ने कभी कुछ ऐसा कह दिया, बच्चा आपसे कह ही नहीं पा रहा, सोचे कि नहीं डांट पड़ेगी, तो बच्चे को प्लीज़ उतना सेफ स्पेस दीजिए कि वो आपसे कन्वे कर सके कि उसके मन में क्या चल रहा है। वो आपको एज अ पेरेंट ऐसा ना समझे कि बाप रे बता दिया तो डांट पड़ जाएगी। जी जी जी। बच्चे एक उम्र के बाद में एक दोस्ताना व्यवहार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है माँ बाप और बच्चों के बीच में, और ये समझना दोनों तरफ से होना चाहिए कि उन्हें लगे कि ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनको सब कुछ बता सकता हूँ, और माँ बाप को ये लगे कि मैं अपने बच्चों को किस तरीके से, क्योंकि हर बच्चा थोड़ा सा अलग होता है, तो ये माता पिता को ही समझना चाहिए। इसी विषय पर मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका तो आवासीय विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे अपने परिवार से दूर रहते हैं, आप उनकी मनोस्थिति कैसे समझते हैं, कब किसको क्या परेशानी है, उसके लिए आप क्या करते हैं? मैडम बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। ये फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट जब अपना घर छोड़ कर के आते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं ध्यान देता हूँ उनके फूड की व्यवस्था के बारे में। जी। यदि बच्चों को अच्छा खाना मिलता है हॉस्टल में तो माँ की याद कम आती है। हाँ जी, जी। घर में सबसे पहले सुबह उठते हैं बच्चे तो नाश्ते के लिए, भोजन के लिए माँ से कहते हैं। जी। तो मेरा प्रयास ये है कि उनके लिए भोजन की व्यवस्थाएँ अच्छी हों, समय पर उनका नाश्ता हो, समय पर उनका लंच हो, समय पर उनका डिनर हो, इसमें मैं विशेष ध्यान देता हूँ। इसके बाद में कभी कभी मैंने देखा है कुछ बच्चों को परेशानी होती है, मैं व्यक्तिगत रूप से, मैं ही नहीं मेरे टीचर्स सभी पूरे इस बारे में पूरी तरह से सजग हैं, उनको ये दिखता है कि ये बच्चा परेशान है तो उससे अलग से भी बात की जाती है। हमने साइकोलॉजिस्ट को भी रखा है, डॉक्टर प्रिया हैं, इनको भी मैं कभी कभी आमंत्रित करता हूं अपने बच्चों को गाइड करने के लिए। आप भी मेरे बच्चों को गाइड करती हैं और उसके परिणाम हमें ये मिलते हैं कि आज मेरे यहाँ से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो स्कूल छोड़ करके चला जाए, ऐसी स्थिति नहीं आती है। तो उसके परिणाम हमें बहुत अच्छे मिले। वातावरण से जुड़े रखना, अपनी संस्कृति से जुड़े रखना, पढ़ाई के साथ साथ में आपने भी ये बखूबी करके बताया है, ये कैसे किया? मैडम मैंने ये देखा है हमारे जो जनजातीय बच्चे हैं ऐसी जगहों से आते हैं जहाँ पर्यावरण का उन्हें बहुत बड़ा पाठ पढ़ाया जाता है। मैंने ये देखा है अच्छा फॉरेस्ट है उनके घर जहाँ पर हैं, तो मैंने सबसे बड़ा जो ध्यान दिया अपने 4.90 एकड़ के कैंपस में, आप यदि उसे देखेंगी तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि वहाँ पर हर एक कम से कम 70% प्लांट्स ऐसे हैं जो फ्रूट्स वाले हैं। आप सब तरह के लीची, चीकू, अंजीर सभी तरह के फ्रूट्स देखेंगे। मेरे बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है उसमें देखने में, कभी कभी ज़्यादा होते हैं तो फल भी, जैसे हम सब्जियाँ भी लगाते हैं, तो ये सब काम में मेरे बच्चे और स्टाफ पूरा सहभागिता करता है। पर्यावरण से वो जुड़ गए, वातावरण से जुड़ने से जी, जी, मनुष्य का मन भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिल्कुल होता बिल्कुल है, और उसको ऐसा लगता है अपनापन का एहसास होता है। अभी मैडम कम से कम 4 कंट्री ने इसके ऊपर रिसर्च की है और उनके पेपर मुझे पढ़ने के लिए मिले, तो मैंने ये पढ़ा कि जहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा होते हैं, जहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो बच्चों को पढ़ने में ज़्यादा आनंद आता है। यदि कोई घाव भी किसी के हो गया है तो वो घाव भी ऐसी जगह पर जल्दी भरता है। तो हमने ये इसके बारे में कोशिश की है और पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन दोनों के लिए हमने काम किया है। केवल पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन ही नहीं, हमने जल संरक्षण और संवर्धन के लिए भी काम किया। जी, आदिवासी छात्र आपके जो विद्यालय है वहाँ पर है, संस्कृति को कैसे संजोते हैं आप, कैसे उनको दूसरे बच्चों के साथ में तालमेल कैसे बैठता है और दूसरे बच्चों को कैसे उनकी संस्कृति के विषय में पता चलता है? हम लोग मैडम इसके लिए सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि जैसे मेरे यहाँ भील और बिलाला जो बच्चे हैं उनकी मतलब स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है, हम उनके फेस्टिवल कब कब होते हैं, क्या क्या फेस्टिवल होते हैं, इनको भी मंच पर कार्यक्रम कराते हैं जिससे उन बच्चों का जुड़ाव रहता है, जिससे दूसरे जनजाति के बच्चे एक दूसरे को समझते हैं जी। तो उनकी संस्कृति का संरक्षण भी होता है और संवर्धन भी होता है, साथ ही उनको स्कूल में आनंद भी आता है,
वो सब काम जो बच्चे गांव में जा कर के करते हैं, अपने घर में करते हैं, वो सब बहुत अच्छी तरह से जब स्कूल के मंच पर करने के लिए मिलता है तो उनको आनंद आने लगता है और स्कूल जो है उनको घर जैसा महसूस होने लगता है, फिर उनको स्कूल की आनंद आना बंद हो जाती है। जी जी जी, उनको घर की याद आना बंद हो जाती है, स्कूल में ही बहुत आनंद आने लगता है। प्रिया मैम, ये बताइए कि कई बार ऐसा होता है कि पता तो चल गया, एक माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, उन्हें पता चल गया कि बच्चे में कुछ परेशानी है, लेकिन एक हिचक होती है कि क्या हमारा बच्चा पागल है कि जो हम डॉक्टर के पास जाएं, या फिर बच्चा खुद या इंसान खुद, एक अगर एक अमूमन एक व्यक्ति की भी बात की जाए तो मैं कोई पागल नहीं हूँ जो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ और मैं पागलपने की दवा लूँ, क्योंकि कहा जाता है कि ये डॉक्टर के पास गए तो इसको कुछ मेंटल इशू, मतलब वो पागलपने से जोड़ दिया जाता है, तो कितना कैसे उसको लाया जाए, उसको कैसे समझाया जाए कि नहीं ये आप काउंसलर के पास में जा रहे हैं तो ये आप पागल नहीं हैं, आपको थोड़ी सी ज़रूरत है सलाह कि इसको कैसे आप डिफाइन करेंगे। मेंटल हेल्थ की जब भी बात होती है तो उसे मेंटल इलनेस के साथ जोड़ दिया जाता है, बहुत पतली सी लाइन है दोनों में जी। बड़े बड़े टर्म्स हैं, साइकोसिस, न्यूरोसिस, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर्स। मैं मेंटल हेल्थ सिर्फ इतना सिंपल शब्दों में समझाती हूँ कि आपकी फीलिंग्स का अगर आप ध्यान रख रहे हैं, आपकी इमोशंस का आप ध्यान रख रहे हैं, अपनी इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो इसमें बिल्कुल भी कोई बुराई नहीं है। कि कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, अपने आप से एक बार पूछें क्यों अच्छा नहीं लग रहा है, आज क्या चीज़ डिस्टर्ब कर रही है, आज क्या हुआ है जिससे मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा है। स्पेशली टू ऑल द पेरेंट्स, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को कंसल्ट करना, साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर या थेरेपिस्ट के पास जाना से बिल्कुल ये साबित नहीं होता कि आप या आपका बच्चा पागल हैं। हाँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता कहने में, लेकिन आपने पूछा इसलिए बहुत आम भाषा में बता रही हूँ कि लोग यही समझते हैं। साइकोलॉजिस्ट मतलब दिमाग में कोई दिक्कत हो गई है क्या? नहीं नहीं, सब ठीक है जी, बाकी कोई और प्रॉब्लम होगी, कहीं फ्रैक्चर हो जाएगा, कहीं दांत में दर्द है तो बताएंगे आगे से बढ़ते। बिल्कुल, कि हम डॉक्टर के पास गए थे, लेकिन साइकोलॉजिस्ट के पास में जाने में थोड़ी सी हिचक लगती है व्यक्ति को। राइट, क्योंकि वो प्रॉब्लम्स हैं जो दिखाई नहीं देती। अब फ्रैक्चर हो गया है, बुखार आ गया है, दांत में दर्द हो रहा है, तो उसका डॉक्टर पर्चा देता है बना के जी। आप उसको लगा के कई बार छुट्टी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिमाग में क्या चल रहा है। एंड बहुत सेंसिटिव इशू है कि अगर इमोशनल और मेंटल वेलबींग के टॉपिक्स को एड्रेस ना किया जाए, उनके सिम्टम्स फिजिकली आपकी बॉडी पर दिखने लगते हैं, तब कोई भी दवाई या कोई पैथोलॉजिकल ट्रीटमेंट कभी कभार काम नहीं करता, बिकॉज प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट हुई है। इमोशंस, फीलिंग्स को एड्रेस नहीं करा गया, फिजिकली उनके सिम्टम्स दिखने लगते हैं जिनका फिजिकल या बायोलॉजिकल कोई कॉज नहीं होता है। सो पेरेंट्स या एल्डर्स जो भी हैं, प्लीज़ अपने आप के लिए भी समझिए कि कुछ स्ट्रेस चल रहा है, किसी बात की परेशानी है, कोई एंजाइटी है, उसको एड्रेस कीजिए, किसी ना किसी से बात कीजिए। एंड वन थिंग, आई एम अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ सोशल इंटेग्रिटी, घर परिवार जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। सो पेरेंट्स घर में ये कोशिश करें कि सब खाना साथ खाएं जी, सभी लोग मिलके, चलिए लंच पॉसिबल अगर नहीं हो पाता, सब काम पे हैं, डिनर एटलीस्ट साथ में करें, कि आपको उतना समय मिलता है हर एक बच्चे के साथ, हर एक व्यक्ति के साथ बैठ के बात करने का, और खाना साथ में खाते हैं तो एक दूसरे का दिन कैसा स्पेंड हुआ वो बातचीत कर पाते जी, हैं जी। क्या कल की प्लानिंग है वो बता पाते हैं, तो नंबर वन कम्युनिकेशन बना रहता है, और इसी छोटे छोटे कम्युनिकेशन में कई बार पता चल जाता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति थोड़ा आज परेशान लग रहा है। सो प्लीज़ अगर खाना साथ में खाए, ऐसा कहते हैं कि भोजन और भजन साथ में किए जाएँ तो घर जुड़ा रहता है, और जब तक हम जुड़े हैं तो हम सारी प्रॉब्लम्स हल कर सकते हैं जी। मैम, एक मुझे लगता है कि सभी, हर माता पिता को जैसे ही उनके पास में एक बच्चा आता है, उन्हें लगता है कि वो सुपर ह्यूमन हो, बहुत तेज तर्रार हो बच्चा मेरा, वो फिर धीरे धीरे उस बच्चे को बताने, देखो उस बच्चे ने ये किया, तुमने नहीं किया। कुछ कुछ बच्चे स्लो होते हैं, उन स्लो बच्चों को क्या उस क्लास में सबके साथ में बैठाना चाहिए? एक हमने फिल्म भी देखी थी तारे ज़मीन पर, तो ये माँ बाप को या टीचर्स को उन उस बच्चे के साथ में अलग ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए, और कब पहचान में आता है कि नहीं ये बच्चा मेरा थोड़ा सा स्लो है? कभी कभार जैसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स की आप लोग बात कर रहे थे, सर इज़ एन एक्सपर्ट ऑफ इट, जैसे मैथमेटिक्स है, केमिस्ट्री, फिजिक्स है, इंग्लिश है, कभी कभार बच्चों को जैसे डर लगता है, तो हो सकता है वो बच्चा नंबर वन हो सकता है वो बच्चा वीक नहीं है, वो सिर्फ डर रहा है उस सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने में। हो सकता है क्लास में कभी उसे सवाल पूछ लिया गया हो और वो आंसर नहीं कर पाया बच्चा, तो वो डर जाता है कि अरे ये सब्जेक्ट मुझे नहीं आता, इस सब्जेक्ट की क्लास में कैसे बंक कर सकूं, या आज उस टीचर की क्लास है तो मुझे आज स्कूल ही नहीं जाना। बच्चा कभी कभार लर्निंग डिसऑर्डर्स कहा जाता है इन इश्यूज़ को, जिनमें कभी कभार जैसे 6 और 9 में फ़र्क नहीं समझता बच्चा,
या डी और बी में फ़र्क नहीं समझता। टीचर्स अगर छोटी क्लासों में सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लास तक अगर इसको पॉइंट आउट कर सके, कभी कभार गलती हर बच्चा करता है, प्लीज़ सभी बच्चों को लर्निंग डिसऑर्डर की कैटेगरी में ना डालें। बच्चे हाइपर एक्टिव हैं तो आजकल ADHD टर्म सभी को समझ में आ गई है कि अरे इस बच्चे को ना ADHD हो गया है, तो ऐसा ना किसी भी बच्चे को टर्म करें। बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चा उधम मचा रहा है, उसका बेसिक ट्रेड है जी। करेगा वो बच्चा शैतानी, द रीज़न हम उसको बच्चा कहते हैं। बट हाँ, पेरेंट्स घर में ध्यान दें, अपने बिजी स्केड्यूल में से बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, पढ़ाई लिखाई में जैसे छोटी सी बात है रीडिंग जी। जैसे मुझे भी ध्यान है, स्कूल में कराते थे, मुझे तो इनफैक्ट याद है ग्रेजुएशन तक हमारे यहाँ टीचर्स कराते थे कि किताब लेके अब आप पढ़िए क्लास में। हाँ जी, तो वो इंग्लिश जो पढ़ने की जो झिझक होती है, कभी कभार कोई बोल गए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों की अगर रीडिंग होती चले, घर में पेरेंट्स भी कराएं जिससे समझ में आ जाता है कि हाँ भाई बच्चा ये चीज़ को ना गलत पढ़ रहा है, तो उसको वहीं करेक्ट कर दें कि इसको ऐसे नहीं ऐसे कहा जाता है। थोड़ी सी शाइनेस भी कम होगी ना, चार व्यक्तियों में जब बैठ के पढ़ना, आपको अकेले को खड़ा किया गया है, तो उनके अंदर वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मैं कर सकता हूँ, है चार लोगों के बीच में मैं बोल सकता हूँ। बच्चे से ये कहना कि कोई बात नहीं, अगर गलती हो गई तो अपन ठीक करेंगे, ये एक कैनवास है, एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे गलती करना अलाउड है, जहाँ पे आप गलती करके सीख सकते हैं। चार बच्चे हंस देंगे कोई बात नहीं जी, उनको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है जी। तो बच्चे को अगर थोड़ा सा भी लग रहा है कि कुछ स्लो लर्नर है, तो नंबर वन एक्सपर्ट की राय ली जाए, प्लीज़ पेरेंट्स या टीचर्स खुद ही उसको कैटेगराइज स्टीरियोटाइप ना कर दें कि हाँ हमें पता है इस बच्चे को क्या हुआ जी, एक्सपर्ट से बात करें, एक आध दो काउंसलिंग के थेरेपी के सेशंस हों, फिर एक नतीजे पे आए कि हाँ शायद थोड़ा इस सब्जेक्ट में या इस एरिया में हमें हेल्प की ज़रूरत लग रही है। एंड लाइकवाइज हेल्प प्लीज़ ली जाए, अगर ये बातें प्राइमरी क्लासेस में नोटिस हो जाएं तो बच्चे का आगे पढ़ाई करियर फ्यूचर सब संभाला जा सकता है, रादर देन ये बातें हाई स्कूल में पता चले जहाँ जी कम स्कोप बचता है कि बिल्कुल बिल्कुल क्या करें? बिल्कुल जी ठीक है। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि जो आधुनिक शिक्षा है ये तो सभी स्कूल्स देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में आपने जो परंपरागत ज्ञान दिया है, कौशल विकास पर आपने बहुत काम किया, और खासकर ये जो जनजातीय जो हमारे जो छात्र हैं इनके लिए, वो आपने कौन कौन से नवाचार लाए जिससे कि हमारे जो दर्शक हैं वो भी जाने और कुछ सीखें? मैडम हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि बच्चा हर एक बच्चे को ये सोचा जाए कि 100% बच्चों को शासकीय सेवा मिल जाएगी, तो ये तो बड़ा मुश्किल है, आप जानती हैं कॉम्पिटिशन का युग है, हर एक बच्चे को कॉम्पिटिशन से गुजरना है। हम ये कोशिश करते हैं कि जैसे बच्चों को उनके मूल जो रोज़गार हैं जो छोटे स्तर पर भी किए जा सकते हैं, जैसे हमने अपने स्कूल में जो शुरू किया है, जैसे कोपा की ट्रेनिंग की है, हम 1200 घंटे की ट्रेनिंग देते हैं, हमारा बच्चा 11th में एडमिशन लेता है और 12th जब पास करता है तब तक उसको सर्टिफिकेशन 1200 घंटे का हो जाता है, वो इंडिया में कहीं पर भी जाएगा वो रोज़गार के लिए अपना तैयार हो जाएगा। इसी के साथ साथ मधुमक्खी पालन है, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो भी ट्राइब्स रहते हैं उनके पास छोटी छोटी जमीन के टुकड़े रहते हैं, थोड़ी जमीन होती है, यदि वो अपने खेत में 10 बॉक्स रख लेते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, तो एक अतिरिक्त आय का स्रोत हो जाता है। इसी तरह से जैसे कार्विंग है, ब्रास की मूर्तियाँ बनाना है, ये फील्ड में भी यदि मेरे बच्चे जा कर के एक्सपर्ट बन जाते हैं तो उनको रोज़गार के लिए भटकना नहीं पड़ता है, अतिरिक्त रोज़गार उनको मिल जाता है। इसमें भी हम प्रयास करते हैं कि इसमें भी बच्चे हमारे प्रशिक्षित हों जी। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। आप मैम ये बताइए कि कभी कभी पता चलता है कि मेंटल हेल्थ और साथ ही साथ में इलनेस, मेंटल इलनेस, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको अलग अलग आप कैसे डिफाइन करें? आम बातचीत में जैसे मैंने पहले भी बताया कि लोग मेंटल हेल्थ के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसे मेंटल इलनेस ही समझते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, या डिप्रेशन एक बहुत कॉमन वर्ड है कि पापा ने डांट दिया, बच्चा छत से जाके कूद जाता है, फ़ोन ले लिया, या कोई रिलेशनशिप क्राइसिस आ गए, दोस्तों में झगड़ा हो गया। सो अपने इमोशंस फीलिंग्स का ख्याल रखना इज़ मेंटल हेल्थ। हाँ, मेंटल इलनेस भी अपने आप में एक पूरा एरिया है, इट्स अ वाइड एरिया ऑफ डिस्कशन, जहाँ पे जैसे मैंने आपको कुछ एरिया नाम बताए थे, साइकोसिस, न्यूरोसिस या स्किज़ोफ्रेनिया, जहाँ पे आपके जो दिमाग में एक मेंटल फिल्टर होता है बातचीत करते समय कि किससे क्या कहना है, हम ध्यान रखते हैं, वो फिल्टर कभी कभार जब टूट जाता है, इल्यूजन्स होने लगते हैं कि सामने कोई नहीं है आपको दिख रहा है, लेकिन वो व्यक्ति कहेगा नहीं मुझे दिख रहा है ये पर्सन सामने खड़ा है, उसे मेंटल इलनेस की। मैम मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं, गणेश जी, जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। आप अपनी टीवी की आवाज थोड़ा सा कम कीजिए,
फोन कट हो चुका है जी मैम, हम पुनः आ जाते हैं, जैसे ही फोन आएगा मैं आपके पास फिर आऊंगी। जी आप अपनी बात पर आइए। जो मेंटल इलनेस तक बात ना पहुंच जाए, इसीलिए जब छोटे छोटे सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं, लग रहा है कि किसी कोई प्रॉब्लम आ गई है, भगवान ना करे, लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, अब हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उसको उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ कर नहीं रहे, चीज़ पाइल अप होते 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 बढ़ जाती है जी। तो जब वो छोटे रूप में है तभी अगर उसके बारे में बातचीत कर ली जाए कि नहीं मुझे रोज़ ही अच्छा नहीं लग रहा है, एक दो दिन अच्छा नहीं लग रहा है, दैट समथिंग एल्स, आज स्कूल में कॉलेज में या काम पे भी डांट तो सभी को पड़ती है, आज अच्छा नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, आपके दोस्तों ने आपका हाथ पकड़ा कि चल यार कोई बात नहीं घूम के आते हैं, तो हम ठीक हो जाते हैं। पर अगर कंटिन्यूसली बहुत दिनों तक नहीं आज भी अच्छा नहीं लग रहा, नहीं आज भी मन अच्छा नहीं है, फिर क्या चल रहा है? कभी कभार हम खुद पहचान नहीं पाते कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है, कभी रोने का मन कर रहा है, रोने ना बहुत हेल्दी है जी। मैं ये नहीं कहूँगी कि रोना कमज़ोरी की निशानी है, पर रोज़ ही रोना अच्छा आ रहा है, रोज़ ही रो रहे हैं, रोज़ ही खाना खाने का मन नहीं कर रहा, प्लीज़ अपने आप से कहिए कि मुझे एक्सपर्ट की ज़रूरत है, मुझे हेल्प की ज़रूरत है। हाँ जी। आप हाथ आगे बढ़ाएंगे तो कोई ना कोई हाथ पकड़ के जरूर आपकी हेल्प। मैम आपको फिर से रोकना चाहूँगी, हमारे साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी है, किरण गुप्ता जी भोपाल से, नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। किरण जी पूछिए आप अपना प्रश्न। भोपाल से नमस्कार, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। जी हाँ, मैं ये पूछना चाहती हूँ, हाँ मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल छात्रों में इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को लेके तनाव क्यों हो रहा है, बहुत ज्यादा टेंशन बच्चों में क्यों हो जाता है, बहुत ज्यादा हमारे तक आपकी बात हम तक पहुंच चुकी है जी। मैम वही चीज़ कहने की है कि हर बच्चा अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लेकर चल रहा है, स्कूल हो, कोचिंग हो, परिवार हो, सब तरफ से प्रेशर है, वो कैसे क्यों? जैसे सर ने बहुत सही कहा कि हर बच्चा सिविल सर्विसेज में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा, हर बच्चा IIT या NIT चला जाए या हर बच्चे का नीट क्लियर हो जाए ऐसा नहीं होगा। किरण जी आपने बहुत सही प्रश्न उठाया यहाँ सभी बच्चों के लिए कि पेरेंट्स और टीचर्स ये समझें कि हर बच्चे में कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, उसकी एक यूनिक क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो समझने की भी कोशिश की जाए। NCC, NSS, डांस, ड्रामा, म्यूज़िक सब में उस बच्चे को पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाए। साथ ही साथ ये कहें कि हाँ एक डिसेंट मार्क्स लाना, एक डिसेंट डिग्री होना भी इम्पॉर्टेंट है, पर साथ ही साथ जो बच्चे का कैलिबर नहीं है, देखिए इंक्लिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टू ऑल द पेरेंट्स। एप्टीट्यूड एक शब्द है, एप्टीट्यूड का इतना सा ही मतलब है कि बच्चे का रुझान किस तरफ है, बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ है। आप IIT चला जाए पर उस बच्चे को इतना डर लगता है मैथ्स और फिजिक्स से कि वो उस क्लास में जाने में डरने लगा है, तो प्लीज़ बच्चे का इंक्लिनेशन किस तरफ है, उसका रुझान किस तरफ है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये समझते हुए अगर बच्चा कॉम्पिटिशन की तैयारी करेगा तो आई एम श्योर कि वो अगले 30-40 साल जो उसको नौकरी करनी है जी वो अच्छे से निभा पाएगा। आजकल वर्क एंड लाइफ बैलेंस बिगड़ा हुआ है सभी लोगों का, नॉट टू ब्लेम, लेकिन कई बार वो लोग फिट नहीं होते उस काम के लिए जो वो कर रहे हैं जी। बिल्कुल, इसलिए उस काम को मन से नहीं कर पाते, खुशी से नहीं कर पाते। यही बात तो हम सर से भी जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप बच्चे की रुचि कैसे पहचानते हैं? कभी बच्चों को परेशानी आई, आपने बोला कि हम मनोचिकित्सक को बुला लेते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ कि नहीं बच्चा हमें समझ ही नहीं आ रहा, तो फिर क्या पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है? आप उसके लिए और कुछ क्या मतलब कुछ अलग क्या करते हैं और सब्जेक्ट चुनाव करने में आप कितनी सहायता करते हैं? मैडम वहाँ पर सबसे बड़ा पालक जो होता है वहाँ प्रिंसिपल होता है और उसका स्टाफ होता है, मेरे जो क्लास टीचर्स हैं वो उनके पालक हैं, मैं हूँ, हम लोग चर्चा करते हैं और उनके सब्जेक्ट के चयन में हेल्प भी हम करते हैं। जैसे एक बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, एक बच्चा बहुत अच्छा डांस करता है, तो मेरा ये प्रयास रहता है कि उसके एक्सपर्ट से हम मिलवाते हैं और उसके फील्ड में उनकी तैयारी कराते हैं। ये कोशिश नहीं है कि एक अच्छा बहुत अच्छा डांसर है वो IIT की तैयारी करे, मैं ये सलाह कभी भी नहीं देता हूँ। एक बच्चा मेरा यदि मेडिकल में इंटरेस्टेड है और उसमें अच्छा काम कर रहा है तो हम चाहेंगे कि वो बच्चा हमारा डॉक्टर बने और उसकी हम मेडिकल की तैयारी कराते हैं। बच्चे के इंटरेस्ट के ऊपर हम बैठते हैं, 10th में जब बच्चा आता है तो उसे चर्चा करते हैं, मेरे टीचर्स बात करते हैं, उसके बाद में हम लोग सब्जेक्ट का चयन करते हैं। ये
बहुत ही एक अच्छी बात है कि एक बच्चे को बैठा के वन टू वन जब बात की जाए तो फिर पता भी चलता है, अच्छा साथ में लगातार देख भी रहे हैं, साल भर से उस बच्चे की जो क्रियाविधियां हैं वो भी दिख रही हैं, साथ में उनसे भी उनकी राय सलाह मांग ली जाती है तो वो नो डाउट फिर अच्छा ही करेगा। मैम एक बात तो ये है कि हम ये बात कर रहे हैं बच्चों की, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई के साथ में काम भी करते हैं, तो जो वर्क लोड है उनके पास में, जो बाहर की दुनिया है साथ में पढ़ाई है घर है, एक व्यक्ति के लिए भी ये सब कुछ बैलेंस वो कैसे कर सकता है? मान लीजिए कोई बच्चा है जैसे आप कह रहे हैं कि वो पढ़ाई के साथ साथ काम भी कर रहा है, और कई बार बच्चों को करना पड़ जाता है जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी घर की बिगड़ी हुई होती है, मैं ऐसे में फिर कहूँगी कि टीचर्स और पेरेंट्स अगर उस बच्चे को थोड़ा सा हैंडल विद केयर करें, क्योंकि अगर उस बच्चे ने, मान लीजिए आप बच्चा कह रहे हैं, अगर उस बच्चे ने ये जिम्मेदारी समझ ली है कि हाँ घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो पढ़ाई के साथ साथ वो काम भी कर ले, मतलब उसने ज़्यादा जिम्मेदारी उठा ली है, हम बच्चे से उतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छे नंबर ले आए, अच्छी नौकरी लग जाए, अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाए, लेकिन अगर ये बच्चा साथ ही साथ नौकरी भी कर रहा है, अगर ये काम भी ढूंढ रहा है, तो हम उसको उतना स्पेस दें, उसका थोड़ा सा हम केयर एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाए कि वो काम कर रहा है, मान लीजिए वो किसी और चीज़ के लिए बेटर बना हुआ, जैसे सर ने कहा कि कोई बच्चा बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, कोई बहुत अच्छा पेंटर है, किसी बच्चे का मैथमेटिक्स बहुत शार्प है, तो उसको उस तरह से गाइडेंस दी जाए कि हाँ बच्चे तुम्हारा ना ये सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग है, उसके जैसे सर ने कहा कि एक्सपर्ट से मिला के गाइडेंस दी जाए, साथ ही साथ वो बच्चा जो काम कर रहा है उसमें उसको कितना एक्सपीरियंस मिल रहा है, वो कितना बेनिफिट कर पा रहा है, एंड साथ ही साथ उसको ओवरलोड भी ना हो जी। क्योंकि जाहिर है अगर बच्चा है काम भी कर रहा है, पैसे कमाने की उसको एक नीड फील हुई है, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहा है, तो जाहिर है कि वो बच्चा थकेगा जी, जी। टाइमली अपनी चीज़ें नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा उसको वो स्पेस दें कि वो कोप अप कर सके, अगर थोड़ी एक्स्ट्रा गाइडेंस चाहिए तो पेरेंट्स एंड टीचर्स के साथ ही साथ ये एक कोलैबोरेशन है कि अगर सबका साथ रहे तो बच्चा डेफिनेटली उसका फ्यूचर ब्राइट होगा। हाँ जी जी सर, आप ये बताइए कि आपने पर्यावरण पर बहुत काम किया, कहाँ से शुरू किया, आज आप क्या क्या कर रहे हैं पर्यावरण को लेकर? मैडम कोरोना काल में आपने भी देखा और मैंने भी देखा जी। वो समय देखा कि एक सिलेंडर मिलना कितना कठिन काम था, और हर एक जितने भी दर्शक हैं मैं उनसे सबसे अनुरोध करूँगा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए तो सबको काम करना चाहिए। आप देखेंगे कि हम अपने बच्चों में, वो बच्चे हमारे जो गांव से आते हैं, जब मेरे यहाँ देखते हैं, जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उनमें बच्चों की और स्टाफ की भी सहभागिता रहती है। ऐसा नहीं कि मैं अकेला करता हूँ, सभी लोग मिलकर करते हैं, मेरे टीचर्स भी मेरे साथ में रहते हैं, मेरे बच्चे भी रहते हैं। जब ये बच्चे यहाँ से देख करके जाते हैं तो अपने घर पर, अपने गाँव में यदि एक गाँव से दो बच्चे प्रशिक्षित हो जाएंगे तो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए गाँव में काम करेंगे। आज हमें गाँव में भी पर्यावरण संरक्षण की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत ही अच्छी बात है। कितने एरिया है आपके पास में, उसमें आपने और बच्चों को और आगे बढ़ाने के लिए और क्या करते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में? मैडम पर्यावरण के लिए हमारे पास 4.90 एकड़ मेरे पास कैंपस है जी, और उसमें हमने फलदार वृक्षों के साथ साथ जी बहुत सारे गार्डन भी डेवलप किए हैं जहाँ पर हम सब्जियां भी उगाते हैं जी। अब जैसे अक्टूबर का महीना आ जाएगा तो अब हमारी सब्जियां लगना शुरू हो जाएंगी, जिसका लाभ हमारे हॉस्टल के बच्चों को भी मिलता है जी। हमारे साथ हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं, रामलाल तिवारी जी बिलासपुर से जी, स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। साइकोलॉजिस्ट मैडम से मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि परिवार के सदस्यों के बीच में सामंजस्य नहीं होता, वो मिलजुल के नहीं रहते आपस में, क्या करना चाहिए? जी जो पारिवारिक डिस्प्यूट हो रहा है आजकल उसके लिए क्या करना चाहिए? जी सभी में आजकल लोगों में पेशेंस एंड टॉलरेंस जीरो होता जा रहा है। आपने कुछ कहा मुझे बुरा लग गया, मैंने कुछ कहा आपको बुरा लग गया, इतनी बातों पे दोस्ती टूट जाती है, रिलेशनशिप ब्रेक हो रहे हैं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक की एस्पेक्ट है कम्युनिकेशन। हम बहुत अच्छी एक चीज़ करते हैं, नाराज़ होकर सामने वाले से चुप हो जाते हैं कि झगड़ा हो गया अब हम बात करना बंद कर देंगे। उसकी जगह मैं रेकमेंड करूँगी थोड़ा कॉन्ट्ररी की, प्लीज़ बात कर लीजिए, आराम से करिए। अग्रेसिव होने में और असर्टिव होने में फ़र्क है, दैट्स अ वेरी थिन लाइन। तो प्लीज़ अग्रेसिव ना हो, असर्टिवली बात करिए, अपनी बात कहिए कि हाँ मुझे आपकी ये चीज़ बुरी लगी, आपने मेरे बारे में ऐसा कहा मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा क्यों कहा। मुझे ऐसा लगता है बहुत बार शायद गलती दो लोगों की नहीं होती पर शायद हालातों की होती है जी। तो अगर हम उसको समझ जाएं और बात कर लें, चाय कॉफ़ी जो पसंद है वो बनाएं, साथ में उस पर्सन को बिठाएं और बात कर लें कि देखिए ये बात थी, मैंने जो कहा या मैंने जो करा वो इस वजह से करा,
आपको मेरी क्या बात बुरी लग गई? लाइफ में अगर लोगों का और रिश्तों का ख्याल नहीं रखा तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? हम क्या समेट के क्या बटोर के ले जा रहे हैं आगे अगर हमारे असेट्स में रिश्ते नहीं हैं, लोग नहीं हैं? सो कोई भी प्रॉब्लम है, कोई इशू है, प्लीज़ बैठ के बात कीजिए। एंड मैं फिर रिपीट करूँगी कि प्लीज़ चाय, नाश्ता, खाना अगर हम साथ खाएँ तो जो भी कोई नाराज़गी है, हाँ टेबल पे ये पास करिए, वो दीजिए, ये कैसा बना है, उतनी बातचीत तो होगी। सो वो करते करते हो सकता है बात डिसॉल्व हो जाए, पर प्लीज़ चुप मत हो जाइए। जहाँ हम नाराज़ होके चुप होके इधर देखने लगते हैं वहीं पे प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। और इसका पूरा सीधा जो गलत असर है वो बच्चों के ऊपर पड़ता है और वो उनके फिर मेंटल इश्यूज क्रिएट होना पे एक अमूमन से एक आज़ाद बात हो जाती है। मैम ये बताइए कि जो डिफेंस में लोग जाते हैं, जो पुलिस में जाते हैं, कहा जाता है कि बहुत स्ट्रेस रहता है, वो लोग फिर अपनी मेंटल हेल्थ कैसे बनाए रख सकते हैं? क्योंकि आजकल लगातार खबरों में भी सुनने को मिल रहा है कि वो ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए, गोली उठाई, एकदम बंदूक उठाई, इसको गोली मार दी, खुद को गोली मार ली, तो ये कैसे वो लोग अपना कैसे अपना मेंटल हेल्थ बनाए कैसे रख सकते हैं? डिफेंस एंड जो लोग पुलिस में हैं उनकी लाइफस्टाइल हम सबसे बहुत फ़र्क होती है। काम हम सब भी देश के लिए कर रहे हैं, काम हम सब भी जनहित के लिए कर रहे हैं, बट पीपल इन द यूनिफॉर्म। आप तो वहाँ काउंसलिंग करती हैं, आप तो जाती हैं उन्हें बताने के लिए। जी जी, एंड आई टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन इट। मुझे बहुत एक खुशी महसूस होती है उन लोगों से ये कहने में जो पूरे देश दुनिया से कहते हैं कि डरो मत, हम हैं। उनसे जब मैं ये कह पाती हूँ कि आपके पास भी अगर कोई बात है तो मैं हूँ, इट्स ग्रेट मैटर ऑफ प्राइड। सो दिन रात की नौकरी होती है उनकी, वो रात को 10 बजे फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाएं ऐसा वो नहीं कर सकते। रात को 2 बजे 3 बजे भी अगर फ़ोन आ जाए कि आइए यहाँ दंगे हो गए हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम हो गई है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, कोई VIP आ रहे हैं, पुलिस डिफेंस हमेशा ही ऑन टोज रहते हैं। सो उनके लिए भी अगर थोड़ा सा काउंसलिंग की सुविधा हो, उनके लिए भी अगर वो कोई ऐसी जगह हो जहाँ वो बात कर सकें, बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क एंड लाइफ बैलेंस, जो कि उन लोगों का ज़्यादातर बिगड़ा रहता है। वो अपने बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा पाते, अपने फैमिली फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते, रिलेटिव्स की शादियां अटेंड नहीं कर पाते, बिकॉज छुट्टी नहीं मिलती। छुट्टी एक बहुत बड़ा कारण है उनकी परेशानी का। बट वो तीज त्यौहार नहीं मना पाते, नींद नहीं हो पाती, खुशियां अपने परिवार के साथ वो पल नहीं बिता पाते, तो कहीं ना कहीं स्ट्रेस में तो रहे, घर से दूर हैं। तो हम वो घरों से दूर हैं, वो ऑन टोज रहते हैं, जिससे कि हम सब अपने घरों में फेस्टिवल्स अच्छे से मना पाएं। तो एक मैसेज जो मैं इन जनरल सोसाइटी को भी आज कहना चाहूँगी कि अगर एक पुलिस वाला व्यक्ति, जो ट्रैफिक पुलिस वाला है, सड़क पे खड़ा है, दिन रात उसके गाड़ियों का आवाज़ है उसके कानों में, क्या हम मुस्कुरा के कभी उसको हैप्पी दिवाली या हैप्पी होली कहते हैं? बिल्कुल सही बात। वो हमें गाइड कर रहा है, वो अपना ट्रैफिक का रास्ता बना रहा है आपके लिए, क्या हम मुस्कुरा के थैंक यू नहीं कह सकते? हाँ जी। सो अगर सोसाइटी भी थोड़ी सी ये जिम्मेदारी ले, कभी रोक लिया है किसी पुलिस वाले ने आपको या डिफेंस पर्सनल ने, मैं आती हूँ आपके पास में। हम पहले चलते हैं डॉक्टर साहब के पास में। डॉक्टर साहब ये बताइए कि हमने पढ़ाई की बात की, सांस्कृतिक बात की, लेकिन खेल कूद में अभिरुचि आप कैसे बढ़ाते हैं जनजातीय छात्रों को लेकर? मैडम जनजातीय छात्र हमारे बड़े ही शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। मैंने ये देखा कि इनको उस तरह के खेलों में भी आगे लाया जाए, तो हम लोगों ने, जो मेरा स्टाफ, मैं, मेरे स्पोर्ट्स ऑफिसर, सब लोगों ने ये सोचा कि इनको इस तरह के खेल खिलाए जाएं। जैसे मैं आपसे अभी इससे पहले भी चर्चा कर रहा था कि हमने अपने यहाँ बॉक्सिंग की व्यवस्था की है, और मध्य प्रदेश लेवल पर मैं समझ रहा हूँ कि स्टेट लेवल के भी 80% मेडल्स मेरे संस्थान को मिलते हैं। मेरे बच्चे बहुत अच्छा बॉक्सिंग खेलते हैं, मेरे बच्चे शूटिंग में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, मेरे बच्चे अन्य जितने भी गेम्स हैं उनमें सब में भाग लेते हैं, और उसका परिणाम मुझे मिला है। हाँ जी जी, बहुत बहुत ही अच्छी बात है। आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि आपको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है और कौन कौन से पुरस्कार आपको मिले? मैडम मेरे को राष्ट्रपति पुरस्कार 2023 मिला है इस समय, ये इसके साथ साथ 2021-22 के लिए भी मेरा चयन हुआ है। 1 अप्रैल को मुझे भारत सरकार पुरस्कृत करने के लिए जा रही है, तो और भी बहुत सारे पुरस्कार समय समय पर मुझे मिलते रहे। जी जी जी, हमारे जो दूरदर्शन परिवार है आपको बहुत सारी बधाइयां। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हम आ जाते हैं प्रिया मैम के पास में। प्रिया मैम, किसी को भी हेल्थ इश्यूज हैं, अब वो चाहता है कि मैं ठीक हूँ, तो क्या दवाइयाँ ही है या फिर आप सिर्फ बात करके ही ठीक हो सकते हैं? मतलब ये भी एक पॉइंट आता है कि हमें दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, मुझे दिमागी परेशानी है, नहीं उसको आपको समझा सकते हैं कि नहीं आप सिर्फ बात करके भी ठीक हो सकते हैं? मेडिसिन की अपनी पूरी पूरी अहमियत है। मेंटल
इलनेस की तरफ जब इंसान चला जाता है, मैं ये कहूँगी कि काउंसलिंग या थेरेपी जो है वो एक प्रायर स्टेज पे इंसान की हेल्प कर सकती है कि वो दवाइयों तक ना पहुँचे। कई बार लोगों को साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट में फ़र्क नहीं पता होता। सो साइकाइट्रिस्ट MBBS डॉक्टर्स होते हैं, उन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई करी होती है, दे आर ऑथोराइज टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन। वेर एज साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, थेरेपिस्ट जो है वो एक वो व्यक्ति है जो काउंसलिंग के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से, थेरेपीज के माध्यम से उस प्रॉब्लम को हल करने का प्रयास करते हैं। हाँ, वो भी उन्हें लगे कि हाँ बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई है जहाँ पे कि अब मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, तो वो ज़रूर आपसे कहते हैं कि आप किसी साइकाइट्रिस्ट को, एक मेडिसिन डॉक्टर को कंसल्ट करें। सो जैसे मैंने कहा कि मेडिसिन की अपनी पूरी अहमियत है, पर हम मेडिसिन तक ना पहुँचे इंसान, इसके लिए आप मैं हम सब मिलके कोशिश कर सकते हैं कि एक दूसरे का हाथ थामे रखें, एक दूसरे को परेशान देख के पूछ लें कि क्या बात है, सब ठीक तो है। मैं कई बार अपने क्लासेस में लोगों से एक्सरसाइज कराती हूँ कि बगल में जो व्यक्ति बैठा है उसकी तरफ देखिए, मुस्कुराइए और पूछिए आप कैसे हैं, और फिर यही एक्सरसाइज समाज में चल के भी करते चलिए जी। एक हल्की सी मुस्कान बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकती है। डेफिनेटली डेफिनेटली, कीपिंग अ स्माइल हेल्प्स। जी जी जी। और सर आप ये बताइए कि जनजातीय छात्रों को सशक्तिकरण करने के लिए और कौन कौन से नवाचार आप कर रहे हैं? मैडम, नवाचार के लिए हम लोग, मैं अपने स्टाफ के साथ में एक नया नवाचार किया फ्लिप क्लास का। अच्छा, फ्लिप क्लासरूम। उसमें क्या होता है, जैसे बच्चे 40 बच्चे मेरे यहाँ तो 30 स्टूडेंट की संख्या रहती है मैक्सिमम, तो जैसे कुछ बच्चे पीछे जो आपने देखा होगा बेंच पर बैठे रहते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो फ्लिप क्लास में क्या होता है, सीधा उलट जाता है। अच्छा, टीचर जो होता है स्टूडेंट बन जाता है और स्टूडेंट टीचर बन जाता है। अरे ये तो एक बहुत ही अलग बात है जी। ये हमने अपने स्टाफ के साथ मिलकर के एक अभिनव प्रयास किया है जी। वो बच्चे जैसे उनको टॉपिक बता दिया जाता है कि आप में से किसी भी बच्चे को कल ये टीचिंग करना होगी जी। किसी भी बच्चे को बोल दिया तो सबसे बड़ी बात क्या होती है, वो बच्चा एक एक बच्चा पढ़ के आता है जी। और वो ये महसूस करता है कि कल कहीं मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया गया तो मैं भी पढ़ाऊंगा, तो हर एक बच्चा तैयार होकर के आता है, पूरा एक एक बच्चा उसमें अलर्ट रहता है। कोई भी बच्चा कभी ये नहीं सोच पाता है कि मैं तैयारी करके ना जाऊं, क्योंकि उसमें किसी का भी बारी आ सकती है, किसी से भी पूछा जा सकता है। हमारे टीचर्स किसी को भी खड़ा करते हैं और इसको आप पढ़ाइए, तो जब बच्चा पढ़ाता है तो बच्चा जब पढ़ाता है तो उसके जो फ्रेंड्स हैं उससे छोटी छोटी चीज़ों को भी पूछ लेते हैं, जो एक बार को किसी टीचर से उनको परेशानी होती है अपने साथी से पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये इसके परिणाम बड़े अच्छे हमें मिल रहे हैं। मेरा स्टाफ भी इसमें बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत अच्छी बात है। बच्चों के और सशक्तिकरण के लिए आप क्या क्या प्रयास कर रहे हैं? बच्चों के सशक्तिकरण के लिए मैडम हम लोगों ने सबसे पहले, जैसे अभी मैंने आपसे इससे पहले बात की बच्चियों के लिए जी। जैसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चियों में होती है, तो हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से भी बच्चियों के लिए पास्को एक्ट है उसके बारे में पुलिस ऑफिसर्स को बुलाते हैं, बच्चों को समझाते हैं, बच्चियों को समझाते हैं। जहाँ तक है डॉक्टर प्रिया आप भी आती हैं, हमारी बच्चियों के साथ बैठती हैं जी, एक एक चीज़ को जब बच्चों को समझाते हैं तो उसके परिणाम अच्छे मिलते हैं जी। बच्चियों के लिए जहाँ तक है हमने ये देखा है मैडम कि वो बच्चियाँ जो फर्स्ट जनरेशन है। साथ हमारी एक कॉलर जुड़ चुकी हैं, सुप्रिया अरोड़ा जी। जी स्वागत है आपका, पूछिए आप अपना प्रश्न। मैडम मैंने भी प्रोग्राम में सुना कि कि आप ये बोल रहे हैं कि बच्चों को ये 5 साल बहुत जरूरी है जी। है ना, लेकिन बच्चों में ये अवेयरनेस कैसे लाए कि उन्हें ये अपने लिए सही लगे। हमारा बोलना शायद उन्हें लगता है कि एक लेक्चर है जो पेरेंट्स देते हैं जी। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस कैसे आए बच्चों में, वो मुझे प्रिया जी से जी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूना से फोन था ये हमारे पास में प्रिया अरोड़ा जी का। जी मैम जल्दी से, हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, आप उत्तर दीजिए जी। राइट, सो बच्चों को, ग्रोइंग बच्चों को ये गाइडेंस दी जाए कि क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हो। मैं कई बार बच्चों से, लोगों से ये सवाल पूछती हूँ कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो बच्चा मिसगाइडेड है। उससे कभी कभी बीच बीच में ये सवाल पूछा जाए कि वेयर डू यू वांट टू रीच, आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ये करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि मान लीजिए बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, या लग रहा है जैसे सुप्रिया जी ने कहा कि बच्चा कह रहा है, बच्चे को लगता है कि पेरेंट्स तो ज्ञान दे रहे हैं या लेक्चरिंग कर रहे हैं जी जी जी। सिर्फ इतना सा सवाल पूछें कि बच्चे कहाँ हो 5 साल बाद,
दस साल बाद का फ्यूचर कहाँ दिख रहा है, तो हल्का सा बच्चे को खुद चिंतन करने का हम समय दें। बिल्कुल, सिर्फ पढ़ो 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 से बच्चा नहीं करेगा शायद। जी बिल्कुल, आपकी जो सलाह है मुझे लगता है हमारे सारे दर्शक मानेंगे और उनके लिए ये बहुत ही अच्छी एक सलाह रहेगी। डॉक्टर साहब आप आए, प्रिया मैम आप आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दर्शकों हर दिन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक आपके लिए नमस्कार एमपी सुबह 8 से 9 हाजिर रहेगा। कल सुबह फिर देखिए। अगले कार्यक्रम तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।